पिता, अगर पृथ्वी घर पे नहीं हुआ तो? अगर घर पे नहीं हुआ तो वापस चले जाएंगे और क्या। बेल तो रिंग करो। ओह गॉड, अब उस डबल फेस के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। कमबख्त आ गया इस वक्त मूड खराब करने के लिए। पक्का मेरी जान का दुश्मन होगा कोई ना कोई। मैं देखती हूँ। घर पे नहीं है, दरवाजा नहीं खुला। एक काम करो, तुम फोन करके देख लो, जहां कहीं भी होगा मैं वहां चला जाऊंगा। माफी मांग। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। प्रीता जी, आप लोग यहाँ? होटल में जो कुछ भी हुआ वो काफी नहीं था, या कुछ और इंसल्ट बाकी है अभी भी? पृथ्वी, मैं तुझसे यहाँ पे बात करने आया हूँ। मतलब मेरा अंदाजा सही निकला, माफी का सेकेंड चैप्टर शुरू। तीर लग गया निशाने पर। देखिए प्रीता जी, सॉरी बट कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। मैं आपको बहुत पसंद करता था, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, लगता है कोई चाहता नहीं कि हम दोनों की शादी हो। ओह वाव पृथ्वी, तुम तो कमाल हो। जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पृथ्वी जी, आज होटल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं पृथ्वी, होटल में जो कुछ भी हुआ उसमें प्रीता या उसकी फैमिली की कोई गलती नहीं है। जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, इसलिए I'm really sorry. I'm so sorry, Preeta ji. इतना hurt feel कर रहा था मैं, इतना mentally disturbed था कि आपको अंदर बुलाने ही भूल गया। आइए ना, please. प्लीज कम। प्रीता जी, घर में कोई सर्वेंट नहीं है इस टाइम पे, आपकी खातिरदारी में कमी रह जाए तो माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, प्लीज डोंट से लाइक दैट। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? तूने अभी भी बोला ना भारती, तू प्रीता को बहुत पसंद करता है, करना भी चाहिए, बिकॉज़ शी इज द बेस्ट। मम्मी, सब जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है पुत्र, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या होगा मम्मी? तो बात क्या है पुत्र, छोटी सी तो फेवर मांग रही हूँ। बताओ कब जाना। ये हुई ना बात। तुझे शर्लिन को शॉपिंग के लिए आज अभी इसी वक्त ले जाना है। पुत्र, बात समझने की कोशिश कर। पंडित जी ने 3 दिन बाद की मुहूर्त का डेट निकाला है, अब सारी तैयारियां तो झटपट निपटानी पड़ेगी ना। हाँ तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना। बस मैं अपना कार्ड दे देता हूँ, ड्राइवर को साथ में दे देता हूँ, वो हो जाएगी ना अपनी मनपसंद की शॉपिंग कर लेगी ना। मैं क्यों कह रहा हूँ? तू कैसी बातें कर रहा है? मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि शर्लिन के पास पैसे नहीं है? ना बेटा ना, ऐसे नहीं करते। शर्लिन तेरी होने वाली दुल्हन है, उसके तरफ भी तो तेरा कोई फर्ज बनता है ना। ये हमारे घर का रिवाज है, परंपरा है, जो तुझे निभानी है। अच्छा मॉम, ओके मैं चला जाता। ठीक है, वेरी गुड जी, वेरी गुड। अब मैं भी चलती हूँ, ठीक है? तू शर्लिन को कॉल कर, लवी डवी टॉक्स कर, रोमांटिक टॉक्स कर, और उसे शॉपिंग के लिए बुला ले यहाँ पे। okay,
आप जाओ, मैं अपने यहाँ फोन कर लूँ। मुझे पता था मेरा पुत्र यही कहेगा। अब थोड़ी ना मुझसे कहेगा, हाँ मॉम मैं उसे फोन करके बुला लेता हूँ। कोई नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। तू कॉल कर, उसे फोन करके बुला ले और झट से चले जाना, ठीक है? लव यू। देखा तुमने, हाँ, कैसे उस करण की बैंड बजाती मैंने, कैसे उस क्रिकेटर के छक्के छुड़ाती। उसका चेहरा देखने लायक था, बड़ा उछलता है ना। आज उस क्रिकेटर को उसकी क्रिकेट बॉल की तरह उछलकर पटक दिया मैंने, बैंड बजाती मैंने उसकी। मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना भी। So proud of you। इस तरह का मेरी हर एक इंसल्ट का बदला लिया तुमने। क्या जरूरत इस कारण को प्रीता की मदद करने की? चुकाने दो उसको अपनी गलतियों की कीमत। लेकिन तुम्हें पता है ना बेबी, ये करण और प्रीता तो हमारे रास्ते के छोटे से कांटे हैं। हमारा असली शिकार वो ऋषभ है। मैं चाहती हूँ कि ऋषभ तुम्हारे कदमों में गिरे, तुमसे दया की भीख मांगे, लेकिन हमारी नफरत उसे दया नहीं देगी, उसे बड़ी से बड़ी सजा देगी। मैं चाहती हूँ कि हम ऋषभ को डिस्ट्रॉय कर दें पूरी तरीके से। I promise you, baby. उस ऋषभ को तहस नहस कर देंगे हम लोग। And I also promise you कि तुमने जो प्लान बनाया है उसे बदनाम करने का, खत्म करने का, मैं उसी प्लान के हिसाब से चलूंगा। I promise. I know you'll do it. ये मिस्टर ऋषभ लूथरा बार बार कॉल क्यों कर रहा है? बट उठा लेती हूँ, अपने शिकार से बात करनी चाहिए, है ना? हेलो। वो मैंने आपको दो बार फोन इसलिए किया क्योंकि मॉम ने कहा था कि थोड़ा सा जरूरी है। एंड आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो। वो मॉम की विश थी और उन्होंने कहा कि ये हमारे घर की परंपरा भी है, तो आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं ऋषभ जी, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? इट्स ओके। क्या चाहती है राखी आंटी? सिर्फ इतना ही कि वो चाहती है कि मैं आपको शादी की शॉपिंग के लिए बाहर ले जाऊँ, यू नो, शादी का जोड़ा एंड व्हाटएवर यू वांट टू बाय। ओह वाओ, शादी की शॉपिंग, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। इट्स ओके। माता रानी आप तो सब जानते हो ना, आपने ही तो मेरी बच्चियों से मुझे मिलवाया, फिर मेरी प्रीता की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भरती। मेरी बच्ची इतनी खुश थी कि फिर क्या हो, आपने क्यों हमसे हमारी खुशियां छीन ली? किसी की नजर लग गई क्या? सब मेरी वजह से हुआ। अगर आपको सजा देनी है ना तो आप मेरी बच्ची को मत दो, मुझे दे दो, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे ही नहीं आना चाहिए था बातों में, और कुछ भी करके सब कुछ पहले की तरह ठीक कर दीजिए। हाँ चलो आओ। अरे कहाँ? चलो आओ तो सही। सही बताती हूँ। अरे लेकिन बात क्या हुई है? आराम से। हाँ ये रही आपकी चाय, पीकर बताइए कैसी बनी है, मैंने अपने हाथों से बनाई है। आपको पता है मम्मा, आपके सारे बच्चे ना बहुत लकी हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। आप हमारी मम्मा हैं और मेरी मम्मा ना दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा है। कहो तो लिख कर दे दूँ? नहीं, मैं अच्छी मम्मा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अच्छी माँ नहीं हूँ, क्योंकि अच्छी माँ होती ना तो वो नहीं करती जो मैंने किया। मेरी वजह से प्रीता को इतना दुख, और तू बोल रही है कि अच्छी मम्मा है। मैं तो अच्छा, एक मिनट, मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहती कि आप दुनिया की सबसे बुरी मम्मा हो, तब भी आप ऐसी होती ना सैड सैड? मुझे पता है ये ऐसा क्यों कह रही। इसलिए इसके कहने का मतलब है कि अगर करण ने जो कहा था वो सच निकलता तो तब तो पृथ्वी को मम्मा ने जो भी कुछ कहा, जितना सुनाया उन्हें, जितना गुस्सा निकाला उस पर, वो सब सही होता, जायज होता, क्योंकि पृथ्वी तब गलत होता मम्मा, तो उसे डांटना, उस पर नाराज होना जायज था। मैं तो कहती हूँ कि उसे मारना और पीटना भी मुनासिब होता। हाँ मम्मा, आप बहुत स्ट्रेस लेती हैं मम्मा, आप इतना हाइपर मत हुआ कीजिए। मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूँ, क्योंकि तुम मेरी गलतियों में भी मेरी अच्छाई ढूंढ रही। मम्मा आप रोइए मत, ये आंसू मत निकालिए, मेरी मम्मा तो शेरनी है। दादू आपको पता है मेरी मम्मा जब दहाड़ती है ना तो अच्छो अच्छो का पसीना छूट जाता है। मैं क्यों बुरा मानू? आई मीन मुझे ये क्या फीलिंग हो रही है? डैम इट,
उसने उसका हाथ पकड़ा, इससे मुझे क्या आया? कोई कुछ भी करे, मुझे उससे क्या? हद है। मैंने कुछ सुना, कुछ देखा, प्रूफ करने चला गया कि पृथ्वी गलत है। कहते हैं उसकी माँ होगी, व्हाट द हेल, माँ हूं। कोई अपनी माँ को क्या डार्लिंग, माय लव कहके पुकारता है, लेकिन कोई मेरी बात माने तो ना। अरे क्या करूं यार, करण यार ये पीता को ना अपने दिमाग से निकाल, इसी के बारे में सोच रहा हूं लगातार। क्यों, वाय, कैसे निकालूं, क्या करूं, बोलूंगा तो फिर से लड़ेगी, बात थोड़ी ना मानेगी मेरी। एक नंबर की इडियट है, एक नंबर की डॉक्टर है। हद है यार। एक बात तो है यार, मैंने उसके कितने नाम रखे, डॉक्टर डफो, डम्बो, कड़वी करे, लेकिन आज तक मेरे खिलाफ कुछ बोली नहीं। इनफैक्ट आज सरला आंटी को मना कर दिया मुझे डांटने के लिए, यहां तक कि पृथ्वी के घर आई मेरे साथ, दिन भर मेरे साथ खड़ी रही। जानती थी उस टीचर से माफी मांगना मेरे लिए कितना मुश्किल है, बट शी वाज ऑलवेज देयर, इतनी बुरी भी नहीं है। समीर, आर यू क्रेजी? मेरी गाड़ी के नीचे आके मर रहा है, तुझे इतनी जल्दी क्या मरने की? नहीं भाई, फिलहाल तो मेरा मरने वरने का कोई मूड नहीं है, लेकिन आपको क्या हुआ? आपके सर पे इतना गुस्सा क्यों सवार है, जो इस तरह इतनी गंदी गाड़ी चला रहे हो? किसी का मर्डर मर्डर करना चाहते हो क्या? हा? बता दो भाई, कौन है आपके निशाने पर? एक मिनट प्लीज, ये मत कहना कि मैं आपके निशाने पर हूँ, मेरे को मरने वरने का कोई शौक नहीं है। एक बात बता सैमी, अभी भी लॉ सेम है क्या? आई मीन किसी का मर्डर कर दो तो जेल होती है, फांसी? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? एक मिनट आप सच में किसी का मर्डर तो नहीं करना चाहते हैं? नहीं, वो कहीं आप प्रीता का मर्डर तो नहीं करना चाहते हैं? अबे उल्लू के पट्टे, मैं क्यों मारूंगा प्रीता को? क्योंकि आप हमेशा उससे किसी ना किसी बात पे गुस्सा ही रहते हो यार, हमेशा उससे अपसेट रहते हो, तो मुझे लगा आप उसी का मर्डर करना चाहते हो। नहीं यार, मैं तो उसे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीता के बारे में अच्छा बोलने जा रहा हूँ? नो नो, दिस इज नॉट मी। सैमी क्या सोचेगा, मैं प्रीता पे क्यों टाइम वेस्ट करूं यार? वैसे भी वो तो शादी कर रही है ना उस पृथ्वी से। अच्छा, अगर वो शादी नहीं करती तो उस पर टाइम वेस्ट करते हैं? तू ना तो ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा है। चल एक काम कर, गाड़ी पार्क कर देना मेरी। ठीक है भाई, आप भी क्या याद रखोगे कि मैं गलत इंसान हूँ, आपकी पसंद सही नहीं है। आंटी जी, आप प्रीता जी से पूछिए, मैंने इन्हें होटल में इसलिए बुलाया था क्योंकि मॉम इनसे बात करना चाहती थी। जब प्रीता जी होटल में आई तो मॉम कुछ काम से नीचे गई हुई थी, फिर वो सब कुछ हो गया रूम में, मुझे इतना गुस्सा आया कि अपनी मॉम को लेके वहां से निकल गया, और गुस्से में मैंने उन्हें कह दिया कि मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूँ। मैं भी क्या करता आंटी, मैं इतना गुस्से में था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब सब लोगों ने भी मुझे इतना कुछ कहा, इतने इल्जाम लगाए, तो बहुत हर्ट था मैं। पर कोई बात नहीं आंटी, अब उस करण को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने भी मुझसे माफी मांग ली है। और मैं भी दोबारा आपसे माफी मांगती हूँ, हमें माफ कर दीजिए। अरे मामा बस करो यार, कितनी बार माफी मांगोगे? हो गया ना सबका, सबको अपनी गलती का एहसास है, करेक्ट? अब लड़की वाले हैं तो क्या भीख मांगोगे क्या आप इनसे रिश्ते की? सृष्टि, जो मुंह में आता है बोलती जाती, ये भी नहीं देखती कि कहाँ बोल रही है, किसके सामने बोल रही है। और तू चुप रह, और मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ रिश्ते के। मैंने गलती की, और अगर गलती की है तो माफी मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं। माँ अब बहुत गलत हो रहा है। अरे पृथ्वी जी बात समझ गए हैं, उन्हें पता चल गया है, बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है माँ। ओ, तो ये नहीं चाहती कि इसकी माँ मेरे आगे झुक जाए। तू देखना प्रीता, एक दिन मैं तुझे कितना झुकने पर मजबूर कर दूंगा। हाँ आंटी जी, प्रीता जी बिल्कुल सही कह रही है। देखिए आंटी जी, अगर एक बार और माफी मांगेंगे ना तो इस बार मैं भी आपसे लड़ पड़ूंगा। देखिए आंटी जी, गलती दोनों तरफ से हुई है, आपने भी माफी मांग ली, हमने भी माफी मांग ली, तो इस किस्से को बस अब यहीं पर खत्म करते हैं। और माफी के साथ साथ एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलिए ना बेटा। क्या आप दोबारा अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना चाहेंगी शादी के लिए? नो, इट इज सो डन। ब्राइट रेड ना, कितनी
ही यंग हो, ब्राइट कलर्स पहने चाहिए और उसके साथ ये बहुत ही एलिगेंट लगेगा। आए बुआ, आए कृतिका, क्या हो रहा, बड़े गहने मैंने देखे जा रहे हैं और साफ। ये तो फिर से संभल ही नहीं जा रहा। ओम ओम अभी आराम से। ओम अभी आपसे ना खुशियाँ संभाली नहीं जा रही है। कैसे संभाली जाएगी दीदी, जब भगवान जी हम पे इतने मेहरबान हो गए, एक साथ हमारे दामन में इतनी खुशियाँ डाल दी, तो कैसे संभाली जाएंगी? एक मिनट, ये दामन खुशियाँ ये सब क्या हो रहा है? इस कृतिका की शादी फिक्स हो गई, डेट फिक्स हो गई, राइट? अच्छा, यहाँ से चली जाएगी जल्द। वेरी फनी, कृतिका अभी कहीं नहीं जा रही, लेकिन हाँ हम शॉलिन को जरूर इस घर में लेके आ रहे हैं, क्यों भाभी? बिल्कुल ठीक दीदी, करण पुत्र, एक्चुअली बात यह है कि शॉलिन की मम्मी जी हम पे जोर डाल रही थी, इसलिए हमने भी पंडित जी को बुला लिया। अब पंडित जी आ तो गए, लेकिन उन्होंने मुहूर्त 3 दिन बाद का ही निकाला है। अब मेहंदी और संगीत दोनों 3 दिन बाद होंगे, इसलिए हमें तो तैयारियां फटाफट करनी होगी ना। क्या हुआ करण? कुछ नहीं बुआ, ऋषभ शॉलिन को लेके शॉपिंग पे गया है। वो रीति रिवाज के अनुसार लड़का लड़की को शादी का जोड़ा लेके देता है ना, बस वही काम करने गया है। माय गॉड, सब कुछ इतनी सुपर स्पीड से हो रहा है, कैसे रुकूंगा मैं सब? करण, कहाँ जा रहे हो तुम? अपने रूम में। कमरे में अकेले क्या करोगे, यहाँ बैठो ना हम सबके साथ। कितने दिन हो गए तुम्हारे साथ कोई गपशप नहीं की, आ जाओ। आई नो बुआ, लेकिन मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, फिनिश करना है। आई सी यू। भाभी, क्या हो गया इस लड़के को, ऐसे खोया खोया क्यों रहने लग गया आज? नहीं दीदी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ऋषभ के शादी के बाद तो अगला नंबर करण का ही लगेगा, तो वो क्यों दुखी होगा, उसे तो खुश होना चाहिए, है ना? वो सारा दिन बाहर गया था ना, इसलिए थक गया होगा, बस और कोई बात नहीं है। नहीं भाभी, वो अपसेट था और मैं जानती हूँ क्यों। आई एम वेरी श्योर करण नहीं चाहता शर्लिन की शादी इस घर में हो। आजकल प्रीता के साथ बहुत मिलना जुलना चल रहा है उसका, पृथ्वी के साथ रुका हो गया, फिर भी इस घर के लड़कों पे जादू चल ही रहा है उसका। समझ में नहीं आता इस लड़की का करूँ तो मैं क्या करूँ। मुझे जानकी जी की ये हालत देखी नहीं जाती, इनको इस हाल में देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे पता चल जाए कि वो इंसान कौन है जिसने इनकी ये हालत की, बख्शूंगा नहीं मैं उसे। बेटा, तुम्हारे इस अपनेपन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर एक बात है, भला कौन जानकी को कमरे में बंद करेगा, ये नहीं हो सकता। दादी जी, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने इनके सिर पर ना कोई भारी चीज मारी हो और उस वजह से जानकी जी बेहोश हो गए। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे सामने ही तो डॉक्टर ने कहा था कि शायद इसके सर पर कोई भारी चीज गिर गई जिसकी वजह से बेहोश हो गई। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आग लगी होगी ना, तो ये निकलने के लिए इधर उधर भागी होगी और उस हड़बड़ी में कोई भारी चीज इसके ऊपर गिर गई जिससे बेहोश हो गई और इसीलिए वहीं पड़ी रहेगी। मैं ना अभी भी कन्विंस नहीं हूँ, ये सब जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। आई थिंक सरला आंटी भी मेरी तरह ही सोचती होंगी। नहीं बेटा, सरला भी मेरी तरह सोचती है। देखो ना, जब हमारी किसी से दुश्मनी ही नहीं है तो कोई ऐसा क्यों करेगा। ओ जानकी, उठ जाना, देख तो तेरी बग बग के बिना घर कितना सोना है। कुछ ज्यादा ही सीधे साधे, भोले और बेवकूफ है ये लोग, और इस वक्त तो मेरे एहसान के तले दबे हुए हैं। मैंने इनको माफ जो कर दिया, और अगर मैं जानकी को मार देता हूं और मेरे और शर्लिन के लिए ये आखिरी खतरा खत्म कर देता हूं, तो किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। यस, इसका मतलब आज ही, इनफैक्ट अभी इसी वक्त जानकी का मर्डर करना होगा मुझे। बस 5 मिनट चाहिए मुझे यहां अकेले, बस ये बुढ़िया किसी तरह यहां से निकल जाए इस कमरे से और मुझे अकेला छोड़ दे। दादी जी, थोड़ा पानी मिल सकता है प्लीज? मैं अभी लेके आती हूं, अभी आती हूं। That's so sweet of you.
सरला, पीने वाला पानी तो है ही नहीं, और फिर भी पानी मांग रहे। इसी मेरा दिमाग ही खराब हो गया, मैंने फिल्टर से पानी भरा ही नहीं, और पानी अब क्या करेंगे? क्या हुआ मम्मा? अरे पानी नहीं है बेटा पीने का। हाँ तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मैं बाजू की दुकान से ले आती हूँ, घर के पास में तो है। हाँ जा फटाफट भाग के ले आ। करीना मैम का फोन, क्यों मुझे फोन कर रही? हाँ बात कर ले, मैं ले आती हूँ। अच्छा क्या कर रहे हैं आप? कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रीता जी, मैं ये तकिया जानकी जी के सिर के नीचे रखना चाहता था। आई थिंक शी विल बी एबल टू ब्रीथ बेटर, राइट? कंफर्टेबल फील करेंगी वो, इजंट इट? हाँ, एक्चुअली मैं भी आपकी हेल्प कर देती। एक सेकेंड। गलत टाइम पर एंट्री ले ली तूने प्रीता, और इसके लिए तुझे सजा मिलेगी। एक बार हमारी शादी हो जाने दे, फिर देख। तुझे तेरी एक एक गलती के लिए अलग अलग टॉर्चर प्लान किए हैं मैंने। जान के आंटी, अब उठ जाइए ना, कब तक सोती रहेंगे? आपको पता है हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। आपकी हर बात में दखल देना, सबके लिए पराठे चाय बनाना, आपके बहुत ज्यादा थे। अब उठ जाइए ना प्लीज। हाँ जानकी आंटी, प्लीज उठ जाइए ना। आपको पता नहीं आप प्रीता जी के लिए कितनी मायने रखती है। आपको इस हालत में देखकर, देखिए प्रीता जी कितनी सैड और इमोशनल हो रही है। प्लीज उठिए जानकी आंटी। प्रीता जी, जानकी आंटी को कभी ना कभी होश तो आ ही जाएगा, बट यू नो व्हाट, ये सब जो भी हुआ है ना कहीं मैं भी अपने आप को गिल्टी मानता हूँ, क्योंकि ये सब हमारे रोके के वक्त हुआ। न जाने क्यों जानकी आंटी से ना एक अपनापन सा हो गया है। इसलिए एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या आज रात मैं आपके घर रुक सकता हूँ? मैं आज रात आपके घर रुक के जानकी आंटी की सेवा करना चाहता हूँ। अगर मुझे इनकी सेवा करने का मौका मिलेगा, देन आई विल फील रियली लकी। I don't think आपके यहाँ रुकने से किसी को कोई भी एतराज होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम माँ से पूछ लेते हैं। Sure, तू एक काम कर, करीना दी से जो भी काम है पहले वो निपटा ले, फिर मेरे बेडरूम में आना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तेरे साथ। ओके आंटी। करीना मैम, वो करीना लूथरा किसी मामूली नौकर का इतना वेट नहीं करती। कुछ ज्यादा ही लेट नहीं हो गई? वो एक्चुअली बहुत ट्रैफिक था। जानती, तुम ऐसे कोई स्टुपिड सा बहाना बनाओगी। एनीवेज, जो भी रेफरेंसेस लाई हो यहाँ पे रख दो, बाद में देख के बताऊंगी कौन सा पसंद आया। बस इतना ही काम था। मुझे एल्बम के डिलीवरी के लिए बुलाया। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। क्यों? एल्बम्स की डिलीवरी करने में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस में है? एल्बम्स की डिलीवरी करने में या फिर डिलीवरी गर्ल बनने में शर्म आती? और वैसे भी ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम था जो यहाँ आने से खराब हो गया? मुझे एल्बम के डिलीवरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, और वक्त मेरा खराब नहीं हुआ। आप मेरा इंतजार कर रही थी इसलिए आपका वक्त खराब हुआ है। एनीवेज, मैं चलती हूँ। जल्दी क्या है, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आओ किचन से। हाँ अच्छा, ले आ रही हूँ।
कुछ नहीं भूली मैं, कुछ गिन गिन के बदला लूंगी तुम दोनों बहनों से। इतना नीचा दिखाऊंगी तुम दोनों को कि ऊपर मुंह करके चलने लायक नहीं रहेंगी तुम दोनों। सृष्टि, मैं तुम्हें नौकरानी की तरह ट्रीट करूंगी। तुम्हें परेशान देख के जब तुम्हारी बहन परेशान होगी ना, तब करीना लूथरा के मन को ठंडक पहुंचेगी। जानकी जी तो बेहोश है ना? Oh my God, I just completely forgot. वो दवाइयाँ कैसे खाएंगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मुझे पता है ये दवाइयाँ कैसे देनी है। आप भूल रहे हैं, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। So silly of me, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि आप भी एक डॉक्टर हैं। नशक जी, आपको जान के आंटी का इतना ख्याल है, वाकई आप हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं। She's like a family. प्रीता बिल्कुल ठीक कह रही है। और आप खड़े हुए हो, बैठो ना। आओ आओ बैठो बच्चे, आप भी बैठिए, आइए बैठिए। थैंक यू। कितना डिफरेंस है ना दोनों भाइयों में। ओहो, अब ये करण की बात करेंगे। What do you mean by that? इनका वो मतलब नहीं है, मतलब just well, I meant कि आप इतनी दूर तक आए मेडिसिन लेकर, इसका मतलब यह है कि आपको इन लोगों की बहुत फिक्र है, बहुत केयर करते हैं आप इनकी। इनको बिल्कुल भी हर्ट होता हुआ नहीं देख सकते, राइट? और एक तरफ आपका भाई वो करण, क्यों ऐसा क्या किया करण? आंटी जी आप ही बताइए ना प्लीज, क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। आपके भाई करण प्रीता जी और आंटी जी से झूठ बोला, उनसे ये कहा कि मेरा अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा है। उसने ये भी दावे के साथ कहा कि उसने मुझे होटल रूम में किसी और लड़की के साथ देखा। आपको पता है बदले में क्या हुआ? He was proven wrong. और ऐसा ही होना था, क्योंकि जब मेरा कोई अफेयर वफेयर किसी और लड़की के साथ है ही नहीं, तो फिर उसकी बात सही कैसे साबित होती? करण ने ऐसा किया? Yes, उसने ऐसा किया। आपको पता है मुझे ऐसा लगता है कि आपका भाई करण नहीं चाहता है कि मेरी शादी प्रीता जी के साथ हो। देख देख सक ला, मैं हाथ ही ला। प्रीता, तूने देखा? किसने हाथ हाथ हिलाया ना, और ये इच्छा ना अपने हाथ बातें में ले जाने चुकी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।